Hello everyone, welcome to FKC. We were understanding the growth and development section of the UPSC economics option paper, and today we will try and understand the fairness model of economic development. This is again a dual sector model wherein John C.H. Fair and Gustav Brannes, in their book Development of the Labor Surplus Economy, Theory and Policy, tried to discuss how surplus labor of the agriculture sector will be absorbed or used in the rapidly emerging but small industrial sector. इसको एक extension of Lewis model भी कहा जाता है और surplus labor model के नाम से भी ये model बहुत famous हुआ था. Now इस model के जो assumptions हैं वो मैंने आपकी easy understanding के लिए दो हिस्सों में bifurcate कर दिया, agriculture sector और industrial sector. कुछ topics जो इस model में समझने के लिए आपको पहले से आने चाहिए वो है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो आप एफिकेसी के वीडियो लिस्ट पे देख सकते हैं, और आपका जो है रिटर्न्स टू स्केल वाला कॉन्सेप्ट वो भी आप देख सकते हैं. लेट्स गो थ्रू द अजम्पशंस क्विकली. एग्रीकल्चर सेक्टर में आउटपुट को या प्रोडक्शन को कहा गया है एज अ फंक्शन ऑफ लैंड एंड लेबर अलोन. लैंड को हमने फिक्स्ड इन सप्लाई माना है, एक ही वेरिएबल फैक्टर माना है लेबर, और ये भी माना है, ये भी अजम्पशन किया है कि वहां पे कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट करता है, मतलब हम जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट हमें जनरेट होगा. एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर का करते हैं वो ये कि कैपिटल में किसी भी तरह का एक्यूमुलेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट या गेन नहीं होता है. इकलौता एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है तो वो होता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड रिक्लेमेशन. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, क्योंकि हम सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है ये जीरो भी किसी पॉइंट पे हो जाता है, ये लॉ ऑफ लेबर प्रोपोर्शन इजीली सपोर्ट करता है. मॉडल अगेन अज्यूम्स क्लोज्ड इकोनॉमी, दैट व्हिच मींस देयर इज नो फॉरेन ट्रेड नॉर देयर इज एनी फॉरेन ट्रेड ओरिएंटेशन. इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन या आउटपुट जो है वो फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर होता है. लैंड को यहाँ उन्होंने अज्यूम किया है कि इट हैज नो रोल टू प्ले एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इनफैक्ट दो कॉन्सेप्ट्स फेयर एनिस ने प्रपोज किए थे, एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया था रियल वेज, दूसरा जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रचलित हुआ था उसको उन्होंने नाम दिया था इंस्टीट्यूशनल वेज. रियल वेज का मतलब होता है वो वेजेस जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर को मिलती है, जो बेसिकली उसकी रियल इनकम होती है. इंस्टीट्यूशनल वेजेस ऑन द कॉन्ट्ररी वो वेजेस होती है जो लेबर को इन दी स्मॉल रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलती है. वर्कर्स दोनों ही सेक्टर में कंज्यूम करते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको हमने आपस में इन्फ्लुएंस करने वाला वेरिएबल, यानी कि एंडोजेनस वेरिएबल ना लेके एक्सोजेनस वेरिएबल लिया था फेयरनेस ने. फेयरनेस के मॉडल को अगर हम बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो तीन अलग अलग फेजेस में बटा हुआ है, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री. तीनों ही फेज में एक ही डायग्राम जो है हमारा चलता रहेगा. ये डायग्राम फेयरनेस का ओरिजिनल डायग्राम है फ्रॉम द बुक, एंड इस डायग्राम में उन्होंने पैनल डायग्राम यूज किया था. पैनल डायग्राम में बेसिकली क्या होता है, दो तीन ग्राफ्स होते हैं और आपको साइमल्टेनियसली ड्रॉ और एक्सप्लेन करने होते हैं. तो यहाँ पे पैनल ए में वी हैव द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्राफ, पैनल बी एंड सी हैव द एग्रीकल्चर सेक्टर ग्राफ्स. नाउ लेट मी जस्ट ब्रीफली टेल यू अबाउट द ग्राफ्स. पैनल ए में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्राफ है वहां पे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेजर करें लेबर फोर्स, वर्टिकल एक्सिस पे वेजेस और मार्जिनल आउटपुट है. पैनल बी में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेबर फोर्स है, वर्टिकल एक्सिस में एवरेज आउटपुट और मार्जिनल आउटपुट मेजर हो रहा है. पैनल सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेबर फोर्स मेजर हो रहा है और ऑन द वर्टिकल एक्सिस टोटल आउटपुट मेजर हो रहा है, और इसीलिए द कर्व ओ सी एक्स जो हमें मिल रहा है अगर आप इसको देखें, दिस एंटायर पार्ट ओ सी एक्स इज बेसिकली द टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कर्व ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर. अब जितना टोटल प्रोडक्टिविटी ग्राफ में चेंज होगा, आप एफिकेसी का वीडियो देख सकते हैं इस पे जिसकी लिंक आपको वीडियो में शेयर की गई है. टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व में जब बदलाव आता है तो उसी बदलाव को, उसी चेंज को हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे C2X में टोटल प्रोडक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है MN या MN लेबर का इन द फेज वे
फेज वन वो जीरो रहता है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एमएम लेबर फोर्स था फेज वन का, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं हो पाया था। फेज टू की बात करते हैं, तो ये जो हमारा एमएन का लेबर जिसको हम एक्टिवली यूज नहीं कर पाते एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये एक सरप्लस लेबर है, ये माइग्रेट करने लगता है टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां एक पॉइंट रीच करता है जहां पे फार्म वर्कर्स जो है वो उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जितना कि इंस्टीट्यूशनल वेज। आप देख सकते हैं फेज वन में दिस होल थिंग, दिस इज द एग्रीकल्चर आउटपुट एंड दिस इज द लेबर फोर्स, एमएन इज द लेबर फोर्स व्हिच इज एम्प्लॉयड, एंड एमटी which is actually equal to the wages of the agriculture sector, yani ki real wage aur MT institutional wage jo hai same hai, equal hai, lekin iske baad kya hota hai, ye jo hamari NW institutional wage jo hai is pe to humne employment kara diya, lekin phase 2 mein obviously hame agar labor ko wapas industrial sector mein retain karna hai to hame wages jo hai wo zyada deni padegi। Now the curve N M R U, N M R U, this curve represents MPP, marginal physical product of the agriculture sector। ये मैं पहले बता चुकी, N M is nothing but marginal productivity जो है यहाँ पे लेबर की हमारी क्या है, जीरो है। फेज थ्री को समझते हैं, यहाँ पे नॉमिनल वेजेस जो है वो अगर आप देखेंगे तो पहले N M लेबर जो हमारा था उसको हम दे रहे थे वेजेस एग्रीकल्चर सेक्टर में NW और इंडस्ट्रियल सेक्टर में OW, यहाँ रियल वेज, ये इंस्टीट्यूशन वेज। ये जो OW इंस्टीट्यूशन वेज है ये बढ़ता जा रहा है फ्रॉम W टू T, फ्रॉम T टू H, H टू Q एंड देन टू W1। दिस मूवमेंट ऑफ W T टू TW1 इज कॉल्ड द लुविस टर्निंग पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इसीलिए इसको एक्सटेंशन ऑफ द लुविस डुअल सेक्टर मॉडल कहा जाता है, फेयरनेस के मॉडल को। नाउ इस मूवमेंट से बेसिकली क्या होता है, फेज टू में अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो लेबर फोर्स है वो एक्टिवली एम्प्लॉयड हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ऑब्वियसली एट हायर वेजेस। Now, इससे क्या होता है, एक सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ होने लगती है इकोनॉमी में, क्योंकि जैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, ये देखिए ये अपना जो टी एच वाला पोर्शन है ये यहाँ पे डिनोट हो रहा है एस एम एल, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो बढ़ गया है, जीरो से बढ़ गया, तो इससे ग्रोथ हो रही है। फिर ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब और बढ़ जाएगा, एन एम एम आर हो गया है, अब एम आर से बढ़ के ये और बढ़ता जा रहा है टू आर यू, बेसिकली दिस राइजिंग पोर्शन फ्रॉम टी टू डब्ल्यू वन। सो दिस राइजिंग पोर्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर कोइंसाइड्स विद द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कर्व ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, यही उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर का सारा लेबर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो फेज थ्री में क्या होने लगता है, फेज थ्री में हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन होने लगता है, और इसीलिए सरप्लस लेबर जो है वो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं रहा, टोटल हमारा एवरेज आउटपुट जो है वहाँ डिक्लाइन होने लग गया है, और हमारा जो सरप्लस लेबर था वो पूरा का पूरा कमर्शलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ चला गया है। कॉन्ट्रीब्यूशन मॉडल की बात करें तो पेरेनस मॉडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है टू अंडरस्टैंड की सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी या ग्रोथ किस तरीके से की जा सकती है। 1954 के बाद जब ये मॉडल प्रपोज किया गया था तो दिस इज वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। इसके अलावा फेयरनेस का मॉडल जो है वो कंडीशंस ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि साइमल्टेनियसली किसी इकोनॉमी को अगर फ्लरिश करना है, ग्रो करना है, तो उसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो 5 ईयर प्लान्स बने थे वो ज्यादातर इन मॉडल से इंस्पायर्ड होके, इनफैक्ट हमारा सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान तो हमारा पुलिस मॉडल से इंस्पायर्ड हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेके जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना होगा, इम्पेटस देना होगा। ओके, लेट्स कम टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द फेयरनेस मॉडल।
अमर्त्य सेन हैज बीन वन ऑफ द मेन क्रिटिक्स ऑफ दिस मॉडल, और उन्होंने इसको फेरन ने इस मॉडल को ये कहा था कि इसमें बेसिकली उन्होंने यूनिट्स ऑफ लेबर आवर्स एंड यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ मेन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीजेंट एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसमें बाइफर्केशन नहीं किया। अगर आप देखेंगे पैनल डायग्राम्स में भी, तो हम लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लियरली यूनिट्स ऑफ लेबर आवर्स एंड कितने मेन एम्प्लॉयड थे इसकी बात नहीं कर रहे। अमर्त्य सेन ने सेकेंड क्रिटिकल अप्रेजल फेयरनेस मॉडल का ये दिया था कि दे आर अज्यूमिंग अ हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व फॉर लेबर इन द इनिशियल फेसेस। ऐसा नहीं होता है, जनरली दो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो रूरल सेक्टर से डायरेक्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाए, वो दूसरे रूरल सेक्टर के एरियाज में भी जो है डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी सर्विसेस को। इनफैक्ट नॉक्सेस एनालिसिस जो हिडन रूरल सेविंग्स भी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ट्रांसफर्ड लेबर्स हैं जो कि कंज्यूमिंग प्रायर टू द शिफ्ट इन द फ्रॉम द रूरल सेक्टर टू द टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, वॉट एवर दे आर सेविंग, मतलब अगर ये वापस एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाते हैं तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के वेज बिल को बचा रहे हैं, तो उस तरीके से जो है हमारी रूरल सेविंग्स हो रही है। फेयरनेस मॉडल का मेजर क्रिटिसिज्म ये था कि इट हैज लेड टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इकोनॉमी जो है फेस करने पड़ते हैं। फर्दर अहेड इन द ईयर 1968 बेरी एंड सोलिगो ने अपने पेपर में ये क्रिटिसाइज करके कहा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को जीरो मानने का जो अजम्पशन है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर लेबर ट्रांसफर कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो बट ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में द लेबर वॉज एम्प्लॉयड वॉज डेफिनेटली एडिंग ऑन टू द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, सो वी कांट अज्यूम दैट इट वॉज जीरो। पेन रेनस का जो एक और अजम्पशन था दैट यू नो एन इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, इज ऑल्सो क्वाइट अनरियलिस्टिक, क्योंकि जापान के एग्जाम्पल जिसमें उन्होंने काफी स्टडी किया था उसमें भी अगर हम देखें तो द कंट्री वॉज इम्पोर्टिंग चीप फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड दिस डेफिनेटली मेड जापान बेटर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। मतलब हर कंट्री के एक फैक्टर एंडोमेंट होती है, फैक्टर अबंडेंस थ्योरी होती है, और इसी के बेसिस पे सारी इंटरनेशनल थ्योरीज ऑफ फॉरन ट्रेड जो है वो भी आई थी। सो थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।